स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे BSc 4 सैम ऑप्टिक्स 2 यूनिट 3 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिक एंड थिन लेंस एंड डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला फॉर थिक एंड थिन लेंस। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक और चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक को इसका डायग्राम बना के सबसे पहले हम बनाएंगे एक थिक लेंस। एक हम थिक लेंस बनाएंगे जिसकी कोई थिकनेस होगी। इस लेंस की ऑप्टिक एक्सिस बनाएंगे, थिकनेस है इस लेंस की स्मॉल टी और इस लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिया है हमने म्यू। अब हम सबसे पहले रखेंगे एक ऑब्जेक्ट इसकी ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर। यहां हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी, ये पी पॉइंट पर इंसिडेंट करेगी, ये पॉइंट पी है। यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। हम ये एज्यूम करके चलेंगे यहां पर एयर है और यहां भी एयर है और इसका जो इफेक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास के मटेरियल का वो एयर से ज्यादा होगा। तो जो लाइट है वो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये क्यू पॉइंट है। तो स्टूडेंट जैसे ही रे ऑफ लाइट क्यू पॉइंट पर पहुंचेगी इसकी दोबारा रिफ्रैक्शन होगी और ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी और आपको इमेज देखने को मिलेगी आई। जो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा दैट विल बी T1 क्योंकि हम रेज ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इस साइड, तो यहां माइनस साइन आएगा और इमेज का जो डिस्टेंस होगा इस थिक लेंस से वो होगा D2 क्योंकि ये डिस्टेंस जो है हम यहां से यहां मेजर कर रहे हैं तो मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो D2 का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स ये है डायग्राम इस टॉपिक का। अब स्टूडेंट्स जो रे ऑफ लाइट पी पॉइंट पर एंटर कर रही है यहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस का कितना एंगल बना रही है। तो स्टूडेंट जो पी पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो उसके लिए हमने एक ड्रॉ कर दिया एक पैरेलल लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो एंगल बना रही है α1 और पी पॉइंट की जो हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस से वो है y1 और इसी तरह से जब यहां पर रे ऑफ लाइट क्यू पॉइंट पर पहुंचेगी जब इसकी दोबारा रिफ्रैक्शन होगी क्यू पॉइंट पर तब ये कितना एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो एंगल बनाएगी हमारा ये एंगल होगा α2 और इसकी जो हाइट होगी क्यू पॉइंट की फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस वो होगी y2। तो स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट पर रे ऑफ लाइट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वो कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, एक तो होता है ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन लैम्बडा जिसकी वैल्यू होती है μ α। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पर हम पॉइंट पी की बात करेंगे पहले। तो पी पॉइंट पर रे ऑफ लाइट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा λ1 और एक होगा y1। जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम दो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन, एक होता है हाइट कितनी है प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट की। तो पी पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे रे ऑफ लाइट के वो होंगे λ1 y1। इसी तरह से जो क्यू पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे λ2 y2 क्योंकि y2 है हाइट ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस और λ2 की वैल्यू है यहां पर μ α2। α2 इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट एट पॉइंट क्यू और λ1 की वैल्यू क्या होगी μ α1। α1 इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट एट पॉइंट पी। तो स्टूडेंट्स दो कोऑर्डिनेट्स होंगे जब रे ऑफ लाइट सिस्टम के अंदर मींस लेंस के अंदर एंटर करेगी तो कोऑर्डिनेट्स होंगे λ1 y1 और जब रे ऑफ लाइट इस लेंस को लीव करेगी मींस क्यू पॉइंट पर से कोऑर्डिनेट्स होंगे λ2 y2। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे लेट λ1 y1 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रे ऑफ लाइट एट पॉइंट पी एंड λ2 y2 बी द
coordinates of ray of light at point Q. तो स्टूडेंट लैम्डा वन वाई वन है कोऑर्डिनेट ऑफ द रे ऑफ लाइट एट पॉइंट पी और लैम्डा टू वाई टू है कोऑर्डिनेट ऑफ द रे ऑफ लाइट एट पॉइंट क्यू. वाई वन है हाइट ऑफ द रे ऑफ लाइट एट पॉइंट पी और लैम्डा वन है ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन और लैम्डा वन होता है म्यू अल्फा वन. और इसी तरह से वाई टू है हाइट ऑफ द रे ऑफ लाइट एट पॉइंट क्यू और लैम्डा टू है डायरेक्शन कोसाइन ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द रे ऑफ लाइट एट पॉइंट क्यू वेयर लैम्डा टू इज इक्वल टू म्यू अल्फा टू. अल्फा वन अल्फा टू जो यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है रे ऑफ लाइट के एट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू रिस्पेक्टिवली. तो स्टूडेंट्स यहां तक लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, जो स्टूडेंट्स हमारे रे ऑफ लाइट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जब वो किसी लेंस में से बाहर निकलती है और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं रे ऑफ लाइट के जब वो लेंस में एंटर करती है तो वो दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं. वो कौन उन कोऑर्डिनेट्स को कौन रिलेट करता है आपस में, उन कोऑर्डिनेट को रिलेट करती है एक सिस्टम मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स लैम्डा वन वाई वन एट पॉइंट पी एंड कोऑर्डिनेट्स लैम्डा टू वाई टू एट पॉइंट क्यू आर रिलेटेड टू इच अदर बाय फॉलोइंग रिलेशन. तो सबसे पहले हम लिखते हैं आउटपुट कोऑर्डिनेट्स. आउटपुट कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट होते हैं जब कोई रे ऑफ लाइट किसी लेंस को निकल के जाती है, लेंस में से बाहर निकलती है, तो उस टाइम जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आउटपुट कोऑर्डिनेट्स. और आउटपुट पॉइंट है हमारा क्यू पॉइंट. क्यू पॉइंट से रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है लेंस में से और क्यू पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स हैं रे ऑफ लाइट के लैम्डा टू वाई टू. वो इज इक्वल टू होगा सिस्टम मैट्रिक्स इनटू इनपुट कोऑर्डिनेट्स. इनपुट कोऑर्डिनेट्स भी दो हैं हमारे पास. इनपुट कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जब रे ऑफ लाइट सिस्टम में एंटर करते हैं जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं रे ऑफ लाइट के उन कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं हम इनपुट कोऑर्डिनेट्स. सिस्टम रे ऑफ लाइट जो है वो पी पॉइंट पर एंटर कर रही है लेंस के अंदर और पी पॉइंट पर रे ऑफ लाइट के कोऑर्डिनेट्स है लैम्डा वन वाई वन. तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. आउटपुट कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू सिस्टम मैट्रिक्स इनटू इनपुट कोऑर्डिनेट्स वेयर एस इज सिस्टम मैट्रिक्स. अब नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे कि सिस्टम मैट्रिक्स की क्या वैल्यू है. तो स्टूडेंट लास्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन तक निकाल चुके थे जो कि थी लैम्डा टू वाई टू जो कि थे आउटपुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रे ऑफ लाइट एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू द सिस्टम मैट्रिक्स इनटू इनपुट कोऑर्डिनेट जो कि थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रे ऑफ लाइट एट पॉइंट पी, वो थे लैम्डा वन वाई वन. तो स्टूडेंट अब हमें निकालनी है एस सिस्टम मैट्रिक्स की वैल्यू. तो स्टूडेंट इस लेंस सिस्टम के अंदर जो रे ऑफ लाइट है उसकी दो बार रिफ्रैक्शन हो रही है, एक हो रही है पी पॉइंट पर एक हो रही है क्यू पॉइंट पर. यहां पर रे ऑफ लाइट की हो रही है दो रिफ्रैक्शंस. रिफ्रैक्शन कब होती है, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है. तो पी पॉइंट पर भी जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से इस लेंस के अंदर जा रही है. लेंस जो है वो ग्लास का बना हुआ है, मींस एयर से ग्लास पर जा रही है पी पॉइंट पर, मींस मीडियम चेंज हो रहा है, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है. और क्यू पॉइंट पर रे ऑफ लाइट जो है वो ग्लास से एयर में जा रही है वापस, तो यहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रही है. बट स्टूडेंट्स जब रे ऑफ लाइट पी से क्यू तक जा रही है तो स्टूडेंट्स जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास के अंदर ही ट्रेवल कर रही है, यहां पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा. और जब रे ऑफ लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता तो वहां पर होती है रे ऑफ लाइट की ट्रांसलेशन. तो इस लेंस के अंदर जो रे ऑफ लाइट है वो दो बार रिफ्रैक्शन कर रही है और एक बार कर रही है ट्रांसलेशन. ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे. और जो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स होती है हमारी, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वन माइनस पी जीरो वन. और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो होती है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो होती है हमारी उसका फॉर्मूला होता है वन जीरो डी बाई म्यू वन. यह है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स.
तो स्टूडेंट ये डिफ्रेक्शन मैट्रिक्स और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के डेरिवेशन पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, आप वहां जाके जरूर देखिएगा कि डिफ्रेक्शन मैट्रिक्स ये कैसे निकल के आती है और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ये कैसे निकल के आती है। पी है यहाँ पर पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो बार रिफ्रेक्शन हो रही है, एक हो रही है पी पॉइंट पर, एक हो रही है क्यू पॉइंट पर, और एक बार ट्रांसलेशन हो रही है जब रे ऑफ लाइट पी से लेकर क्यू तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स, पहले हम क्यू पॉइंट वाली रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फ्रॉम गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, फिर हम लिखेंगे जो रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स है पी पॉइंट वाली, और साथ में ये ऐसी रहेगा पेयर। सिस्टम मैट्रिक्स जो है वो तीन मैट्रिक्स इसका प्रोडक्ट है, दो है रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स, एक क्यू पॉइंट वाली रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स, एक पी पॉइंट वाली रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स, और बीच में है इनके ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है पी से क्यू तक जाने में एक बार ट्रांसलेशन फॉलो कर रही है, ट्रांसलेशन कर रही है, मीडियम वहां पर सेम रह रहा है जब रे ऑफ लाइट पी से क्यू तक मूव कर रही है। तो सिस्टम मैट्रिक्स जो है वहां पर तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स एट पॉइंट क्यू, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इन गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, एंड रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स एट पॉइंट पी। ये ऑर्डर आप ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले आप रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स क्यू पॉइंट वाली लिखेंगे, फिर बीच वाली ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर आप रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स लिखेंगे पी पॉइंट वाली। तो हम स्टूडेंट्स यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स एट क्यू पॉइंट पर पुट करेंगे। रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता है 1 - p। अब q है जो वो सेकेंड रिफ्रेक्टिंग सर्फेस के ऊपर है, ये है फर्स्ट रिफ्रेक्टिंग सर्फेस, ये है सेकेंड रिफ्रेक्टिंग सर्फेस। तो अब यहां पर रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 1 - p 0 1। तो यहां पर आप लिखेंगे p2, फिर आप लिखेंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 1 - 0 1, और यहां पर होता है d बाय म्यू। d यहां पर डिस्टेंस है जो रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, यहां पर p से लेके q तक जाने में रे ऑफ लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है t। तो यहां पर आप t पुट करेंगे और नीचे लगाएंगे म्यू, क्योंकि म्यू तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है मटेरियल ऑफ द लेंस का। फिर हमारी रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स एट पॉइंट पी, रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 1 - p 0 1। जो पी पॉइंट है वो फर्स्ट रिफ्रेक्टिंग सरफेस के ऊपर है, तो यहां पर आप पी वन लगाएंगे, और साथ में है आपका यहां पर लैम्डा वन वाई वन। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 2, वेयर आर क्यू इज इक्वल टू 1 - p 2 0 1, टी पी क्यू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 1 t/μ 0 1, एंड रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स एट पॉइंट पी इज 1 - p 1 0 1। इन तीनों को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को मीन्स आर क्यू टी पी क्यू आर पी की वैल्यूज को यहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, और सिस्टम मैट्रिक्स निकालेंगे इस थिक लेंस के लिए। तो सो लास्ट सेक्शन में हम थर्ड इक्वेशन निकाल चुके थे, रिफ्रेक्शन मैट्रिक्स एट पॉइंट क्यू जिसकी वैल्यू थी 1 - p 2 0 1, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फ्रॉम पी टू क्यू वो थी 1 / 1 0 t/μ 1, एक थी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स एट पॉइंट पी क्योंकि पी पॉइंट पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा था वो थी 1 - p 1 0 1, और स्टार इक्वेशन थी हमारी सिस्टम मैट्रिक्स जो कि इन तीनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट थी, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स एट पॉइंट क्यू, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इन गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, एंड रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स एट पॉइंट पी। अब हमने इनको यूज करना है, थर्ड इक्वेशन को यूज करना है स्टार इक्वेशन में। तो स्टार इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है एस इज इक्वल टू आर क्यू की वैल्यू, ये वाली है आर क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, तो 1 - p 2 1, फिर आपने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स पी क्यू की वैल्यू पुट करनी है वो है 1 - t/μ 1, वो हमने यहाँ लिख दी। फिर आपने आर पी की वैल्यू पुट करनी है, आर पी की वैल्यू है 1 - p 1 0 1, वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो अब हमको तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें मिलेगी सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिक लेंस। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 1 को 1 से करेंगे, फिर -p 2 को इससे करेंगे, फिर 1 को 0 से करेंगे, फिर -p 2 को 1 से करेंगे, फिर 0 को 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 को इससे करेंगे, फिर 0 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस 0 को भी मैं यहां से हटा देता हूं, और लास्ट साथ में हमारे पास है 1 - p 1
जीरो वन। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, आप इन मैट्रिसेस को देखें क्या निकल के आता है। पहले हम इस पूरी टर्म को वन से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा वन माइनस पी टू पी बाय म्यू, फिर माइनस पी टू को जीरो से करेंगे, माइनस पी टू को जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आएगा, वो प्लस में यहाँ लिखेंगे तो वो लिखने का कोई फायदा नहीं है, वो हम लिखेंगे नहीं। फिर हम इस टर्म को इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस पी वन को पहले वन से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पी वन, फिर हम इस टर्म को माइनस पी टू टी बाय म्यू को माइनस पी वन से करेंगे तो आ जाएगा प्लस पी टू टी बाय म्यू, फिर माइनस पी टू को वन से करेंगे तो आ जाएगा माइनस पी टू, उसके बाद टी बाय म्यू को वन से करेंगे टी बाय म्यू आ जाएगा, फिर वन को जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस में जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है। टी बाय म्यू को माइनस पी वन से करेंगे तो वो आ जाएगा टी बाय म्यू माइनस टी बाय म्यू पी वन, और वन से वन को करेंगे तो आ जाएगा वन। तो ये आगे हमारी सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिक लेंस। यहाँ पर स्टूडेंट हम पी वन लिखना भूल गए, क्योंकि जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा पी वन पी टू टी बाय म्यू, तो अब यहाँ पर पी वन भी जरूर लगाएंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद के जो स्टेप्स होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो स्टूडेंट लास्ट स्टेप में हम यहाँ तक कर चुके थे, सिस्टम मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल चुके थे थिक लेंस के लिए। तो ये है हमारे स्टूडेंट्स विच इज द रिक्वायर्ड सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिक लेंस। अब हम ड्राइव करेंगे लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस। सिस्टम मैट्रिक्स हमने ड्राइव कर दी है थिक लेंस के लिए, अब बारी है लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस ड्राइव करने की। उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सिस्टम मैट्रिक्स जो होती है वो टू बाय टू की मैट्रिक्स होती है, और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो ये लेते हैं हम बी माइनस ए माइनस डी सी। जो चार एलिमेंट्स लेने हैं आपने वो ऐसे ही लेने हैं बी ए डी सी, इनको आपने चेंज नहीं करना, डी की जगह ए लिखना, सी की जगह बी नहीं लिखना, इनको बिल्कुल ऑर्डर में लिखना है, और जहां जहां माइनस साइन लगे हैं वो वहीं आपने माइनस साइन लगाना है। ए और डी के साथ माइनस साइन आएगा, बी और सी के साथ प्लस का साइन आएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो सिस्टम मैट्रिक्स का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, और ये जो सिस्टम मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल निकल के आई है, तो इसके इक्वल लिख देते हैं हम अब हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस पी टू टी बाय म्यू। इसको देखते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फोर। उसी तरह से माइनस ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस ए की वैल्यू निकल के आएगी माइनस पी वन प्लस पी वन पी टू टी बाय म्यू माइनस पी टू, और अगर आप सबके साइन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पी वन प्लस पी वन माइनस पी वन पी टू टी बाय म्यू प्लस पी टू। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फाइव। डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये म्यू है स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ माइनस डी इक्वल टू टी बाय म्यू है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस टी बाय म्यू, डी इज इक्वल टू माइनस टी बाय म्यू, ये होगी हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। उसी तरह से सी की वैल्यू ये हो जाएगी, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेवन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की वैल्यूज आ चुकी हैं, सिस्टम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से बी ए सी डी उनकी वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ इक्वेशन में बी ए डी सी की वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी आपको, अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो सिस्टम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, मीन जो एलिमेंट्स हैं सिस्टम मैट्रिक्स के ए बी सी डी, और जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का लेंस से जो कि हमने डी वन लिया था, और जो इमेज का डिस्टेंस होता है लेंस से जिसको हमने D2 लिया था, इन सब में एक रिलेशन होता है, इन क्वांटिटीज में रिलेशन होता है। ए बी सी डी है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स, D1 है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, D2 है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, इनमें आपस में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको याद रखना है। तो आइए मैं वो रिलेशन आपको लिख के देता हूं। इन सिक्स क्वांटिटीज में ये रिलेशन होता है बी डी टू प्लस ए डी वन डी टू माइनस सी डी वन माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, ये रिलेशन आपको याद रखना है।
कि इन में ये रिलेशन होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ए बी सी डी है, स्मॉल ए बी सी डी है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स, और डी वन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, डी टू है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। तो उसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर एट। इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स 4, 5, 6, 7 इक्वेशन की वैल्यू, 8th इक्वेशन में पुट करेंगे, तब आपको मिल जाएगा लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस। तो स्टूडेंट लास्ट स्टेप में हम 4, 5, 6, 7 इक्वेशन निकाल चुके थे जिसमें हमें वैल्यूज मिली थी बी ए डी सी की, स्मॉल बी ए डी सी की, जो कि एलिमेंट्स है सिस्टम मैट्रिक्स के, और ये 8th इक्वेशन निकाली थी जो हमें रिलेशनशिप दे रहा था एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। तो अब हम यूज करेंगे यूजिंग 4, 5, 6 and 7 इन 8। तो फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू थी हमारे पास ये 1 - P2 T/μ, साथ में है D2, प्लस ए की वैल्यू थी ये, इतनी बड़ी वैल्यू थी ए की, P1 - P1 P2 T/μ + P2, और साथ में है D1 D2 - C। सी की वैल्यू तो हमारे पास ये 1 - T/μ P1, और साथ में है हमारा D1 - D। डी की वैल्यू थी सबसे सिंपलेस्ट T/μ और इक्वल टू 0 है। ये होगी हमारे, ये है हमारा लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस विच इज द रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला फॉर थिक लेंस। तो स्टूडेंट्स हम सिस्टम मैट्रिक्स निकाल चुके हैं थिक लेंस की और लेंस फॉर्मूला निकाल चुके हैं थिक लेंस के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम निकालेंगे सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिन लेंस एंड लेंस फॉर्मूला फॉर थिन लेंस। स्टूडेंट्स अब बारी है निकालने की सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिन लेंस की। तो स्टूडेंट्स थिक लेंस के लिए सिस्टम मैट्रिक्स जो निकल के आई थी वो ये निकल के आई थी, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम मैट्रिक्स थी। थिन लेंस के केस में क्या होगा, थिन लेंस के केस में इन केस ऑफ थिन लेंस जो लेंस की थिकनेस होगी वो 0 का अप्रोच करेगी, टी अप्रोचेस टू 0। तो जहां जहां इक्वेशन डबल स्टार में टी लिखा हुआ है वहां वहां 0 पुट कर दीजिए, पुट टी इज इक्वल टू 0 इन डबल स्टार। तो एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1। टी 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा खाली यहां पर, -P1 ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें टी है, टी से मल्टीप्लाई करने पर पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके बचेगा -P1 - P2। उसके बाद आपके पास यहां पर टी है, टी को 0 पुट करना 0/μ हो जाएगा 0, 1 माइनस यहाँ टी को 0 पुट करें तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड आ जाएगी फॉर्म सिस्टम मैट्रिक्स की विच इज द सिस्टम मैट्रिक्स फॉर थिन लेंस। तो स्टूडेंट्स सिस्टम मैट्रिक्स में निकाल चुके हैं थिन लेंस की, अब बारी है लेंस फॉर्मूला फॉर थिन लेंस निकालने की। तो लेंस फॉर्मूला निकालेंगे थिन लेंस के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिस्टम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यूज करेंगे। सिस्टम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं B - A - D - C, और ये किसके इक्वल है, 1, 0 -P1 P2 और साथ में है 1। सिस्टम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म में होती है वो ये होती है B - A - D - C। अभी हम पीछे भी यूज किया था थिक लेंस के केस में, तो हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, और वैल्यूज फाइंड करेंगे स्मॉल ए बी सी डी की। अगर हम कंपेयर करते हैं तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी की वैल्यू निकल के आएगी 1। ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ -A = -P1 - P2 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी +P1 + P2। पहले पूरा लिख देते हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी P1 + P2। उसी तरह से डी की वैल्यू हो जाएगी 0, उसी तरह से सी की वैल्यू हो जाएगी 1। इनको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 12। तो इन चारों इक्वेशंस को हम उसी इक्वेशन में यूज करेंगे जो हमने थिक लेंस के लिए इक्वेशन यूज की थी, वो थिक लेंस के लिए इक्वेशन थी B D2 + A D1 D2, साथ में था हमारा -C D1 - d = 0। ये रिलेशन था
ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी में और कैपिटल डी वन कैपिटल डी टू में, कैपिटल डी वन था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एंड कैपिटल डी टू था डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, और स्मॉल ए बी सी डी है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स एस। तो इनमें ये रिलेशन होता है, पीछे भी हम यूज कर चुके हैं। अब हम 9th, 10th, 11th, 12th इक्वेशन को इस इक्वेशन में यूज करेंगे, यूजिंग 9, 10, 11 and 12 इन अबव इक्वेशन। तो यूज करते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। बी की वैल्यू है 1, डी टू ऐसे ही रहेगा। ए की वैल्यू हमारे पास P1 plus P2 साथ में है, D1 D2। सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, और D की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो D की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल D की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे D2 माइनस D1 की, जो कि निकल जाएगी P1 plus P2 D1 D2। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा D1, फिर आ जाएगा आपके पास ये जो आपका D1 है वो प्लस का हो जाएगा और D2 माइनस का हो जाएगा, और साथ में ये साइन प्लस का हो जाएगा इसके आगे का। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 13। तो इक्वेशन नंबर 13 के बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हमारे पास निकल के आएगी लेंस फॉर्मूला फॉर थिन लेंस। तो स्टूडेंट 13th इक्वेशन हमारे पास निकल चुकी थी, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय D1 D2, हर एक टर्म को D1 D2 से डिवाइड कर दो। तो आपको मिलेगा 1 upon D2, 1 minus 1 upon D1, P1 plus P2, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। नाउ स्टूडेंट D2 क्या था, D2 था हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। D1 क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, उसको हम डिनोट करते हैं u से, स्मॉल u से। और P1 क्या है, पावर ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला होता है μ-1 R1। और P2 था पावर ऑफ सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था ना हमारे पास थिक लेंस के अंदर, एक था ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ये था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसकी अलग पावर होगी, इसकी अलग पावर होगी। इसकी जो पावर थी उसको P1 से हम नाम देंगे, और जो इसकी पावर होगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की उसको P2 से नाम देंगे। तो P1 की वैल्यू होगी μ-1 R1, और P2 की वैल्यू होगी हमारे पास μ-1 R2, क्योंकि जो सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो नेगेटिव होगी, और फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो पॉजिटिव होगी। यहां पे आप क्या करेंगे, हम वेयर D2 इज इक्वल टू स्मॉल v, D1 इक्वल टू u, P1 इक्वल टू μ-1 upon R1, P2 इज इक्वल टू μ-1 upon -R2। ये है पावर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये है पावर ऑफ सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्टूडेंट फटाफट सॉल्व करते हैं, 1 by V minus 1 by U क्या होता है, वो होता है 1 by F लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहां से μ-1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर विच इज required formula, required lens formula for thin lens। तो thick lens के लिए थोड़ा complicated lens formula आया था, और thin lens के लिए बिल्कुल simplified lens formula निकल के आया है। तो इस topic में students हमने system matrix निकाली thick lens के लिए और thin lens के लिए, और lens formula निकाले thick lens और thin lens के लिए। तो ये students काफी important question है। तो I hope आपको आज का video समझ आया होगा, मिलते हैं next video में, thank you so much।